नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, और बर्गर बनाने के लिए यहाँ मैंने दो इस साइज के बर्गर लिए हैं, देखिए। और ये मैंने टिकिया बनाने के लिए सामान लिया है। आज हम आलू टिक्की का बर्गर बनाएंगे। तो ये मैंने चार आलू लिए हैं, ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये दो तीन हरी मिर्च लिए है जिन्हें बारीक काट लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया है, ये नमक है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये भुने हुए चने हैं, ये देखिए इसके छिलके उतार लिए हैं, और ये भुने हुए चने हैं जिन्हें हम पीस कर फिर टिकिया में डालेंगे। इससे टिकिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये हम बर्गर में डालेंगे। बर्गर में लगाने के लिए यहाँ मैंने पत्ता गोभी ली है, ये मैंने प्याज लिए हैं स्लाइस, ये टमाटर लिए हैं, और ये हरी चटनी है, ये टमाटो सॉस है, और ये तेल है जिसमें हम हमारे टिकिया तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। ये देखिए हमने आलू मैश कर लिए हैं। अब मैं हमारे चनों को पीस लूँगी मिक्सी में। ये देखिए मैंने चनों को बारीक पीस लिया है। ये देखिए अब मैं टिकिया के अंदर आलू मैंने मैश कर लिए हैं, तो आलू के अंदर मैं हमारा चाट मसाला डाल दूंगी। आधी चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला लिया है, हरी मिर्च डाल दूंगी और प्याज डाल दूंगी, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, तो यहाँ मैं नमक डाल दूंगी एक चम्मच, और इसे अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पिसी हुई। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने चना भुंजा हुआ चना पिसा था वो डाल दूंगी, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी टिकिया स्मूथ बने और स्वादिष्ट बने। ये देखिए हमने इसे मिला लिया है अच्छे से। अब मैं फैन में तेल गरम रख देती हूँ। ये मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब हाथों पर मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ जिससे हमारी टिकिया हाथों पे चिपके ना, और इस तरह से गोल बना लेते। ये देखिए मैंने टिकिया बना दी है। मैं टिकिया बनाकर इसे इस चने के जो हमारा बचा हुआ चने का आटा है भुने हुए चने का उसमें इस तरह अच्छे से डिप कर दूंगी और इसे अच्छे से दबा दूंगी। ये देखिए हमने टिकिया बना दी है और तेल भी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर टिकिया को सेलो फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह हम टिकिया रख देंगे और इसे दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ से हमारी टिकिया सिक चुकी है तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारी टिकिया एकदम सिक कर तैयार है। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हमारे बर्गर के दो हिस्से कर लेते हैं, इस तरह दो हिस्से कर लेते हैं। और हमने आधी चम्मच कढ़ाई के अंदर घी डाल देती हूँ। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल दीजिए, और आधी चम्मच इसके अंदर घी डालकर हम हमारे बर्गर को सेक लेंगे। और हम थोड़ा सा घी और डालकर हमारे दूसरे बर्गर को भी सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे बटर में सेक लीजिए। ये देखिए हमारे बर्गर सिक चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे बर्गर एकदम सिक कर तैयार है, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये सॉस लगा लूँगी। टमाटो सॉस, अच्छे से टमाटो सॉस लगा लीजिए आप इसके ऊपर। ये देखिए ये बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये गोभी लगा दूंगी। अब मैं हमारी टिकिया लगा दूंगी इसके ऊपर। ये हम हमारी टिकिया लगा देंगे इसके ऊपर। अब मैं प्याज लगा दूंगी, टमाटर, और अब इसके ऊपर हम हरी चटनी लगाएंगे।
ये हरी चटनी लगा दी हमने, ये थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला लगा दिया और थोड़ा सा सॉस डाल दिया और इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और इसे थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह हम हमारा दूसरा बर्गर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये पत्ता गोभी लगा दी और ये टिक्की लगा दी, ये हमने प्याज लगा दी, ये देखिए इस तरह प्याज लगा दी, ये टमाटर लगा दी और इसके हम हरी चटनी लगा देंगे। इस तरह हरी चटनी लगा देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला लगा देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप चाट मसाला लगाइए वरना मत लगाइए। थोड़ा सा सॉस लगा देंगे और इसे इस तरह दबा कर रख देंगे। थोड़ा सा दबा दीजिए। ये देखिए हमारे स्वादिष्ट बर्गर बनकर एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।